नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े अरविंद केजरीवाल, रामेश्वर की तीर्थयात्रा पर गए बुजुर्गों से मुलाकात की, तस्वीरें की शेयर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की है। कहा कि अपने दोस्त और परिवार के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार 20 सितंबर को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के चंद घंटे में ही मुख्यमंत्री के 23,000 से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। व्हाट्सएप चैनल के जरिए देश भर के लोग अब सीएम अरविंद केजरीवाल से सीधा संपर्क कर पाएंगे। सोशल मीडिया में सक्रिय रहने और जनता से मिलते जुलते रहने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली और देशवासियों से जुड़ने की अपील की है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर गए दिल्ली के बुजुर्गों से मुलाकात करते हुए की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन बुजुर्गों को दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर भेजा है। सीएम ने व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने पर कहा कि इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़कर बेहद खुशी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की ये अपील। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को व्हाट्सएप चैनल पर अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियों, नए कार्यक्रमों और अन्य जानकारियों को लगातार प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिस पर हर भारतीय को गर्व हो सके। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि पिछले ही हफ्ते हमने 780 बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत श्री रामेश्वरम के दर्शन के लिए भेजा है। यात्रा पर भेजने से पहले मैं खुद सभी बुजुर्गों से मिला, उनका प्यार मिला। आपके साथ उस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली समेत सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा, इस व्हाट्सएप चैनल को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करें। मुख्यमंत्री के इस व्हाट्सएप चैनल पर दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे कार्य से संबंधित जानकारी शेयर की जाएंगी। दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों से संबंधित टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और स्टिकर आदि चैनल पर जारी किए जाएंगे ताकि इससे जुड़े लोगों को सरकार के हर दिन के काम की जानकारी मिलती रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए जज्बात 24 पर। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल जज्बात 24 को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।